यहाँ हमारे सामने खड़े हैं, आप सभी को जननायक हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसुओं के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड के शहीद अमर रहे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन मत घबराना, जय झारखंड, जय झारखंड। बेचारे आदिवासी दलित अल्पसंख्यक जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इसी व्यवहार की से ये पता चलता है कि इनके अंदर में कितनी घृणा पड़ी हुई है। जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पद से उतारने के लिए भी उनको बाध्य कर दिया, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि झारखंड की सरकार किसी के सामने झुके नहीं। उनके अंदर में जो द्वेष था वो ये था कि झारखंड का सरकार, झारखंडी का सरकार, अपना सरकार, आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, वंचितों का सरकार, उनको गिराने की इनकी जो मंशा थी वो बिखर गई। लेकिन हमारे जितने भी विधायकगण हैं यहाँ और जितने हमारे कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, इनके मनोबल से ये प्रतीत होता है कि हमने उनको परास्त तो कर दिया, लेकिन आने वाले समय के लिए आप सभी को मिलकर अपने उस आशीर्वाद को वोट के द्वारा ये दिलाना है कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंड भी कभी झुकेगा नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।